हम एंटर हो गए हैं तख्तबाई। तख्तबाई आ गए, ट्रक का लोड देखो सर, कितना भरा हुआ है। राइट पे जाएंगे, राइट। ये हमने मेन जीडी रोड को टच कर लिया है, मलकंड रोड और तख्तबाई एंटर हो गए। अच्छा, ये उस साइड पे जवाब भाई वो जा रहा है सवात को। सवात को साइड पे मलकंड को जाए। हाँ, तो इधर से नजदीक ही है ना, वो मालाकंड तो नजदीक है। तख्तबाई इसके बाद मेरे ख्याल में दरगाह ही आएगा, है ना? दरगाह के बाद बस फिर मालाकंड आ जाता है। मालाकंड डिवीजन सखाकोट आएगी। सखाकोट, हाँ बिल्कुल सही। ये अभी हम जीटी रोड पे हो रहे हैं। ये हम तख्तबाई सिटी आ गए जी। तख्तबाई सिटी है ये, और ये वो ब्रिज, इसके आगे फिर वो था, कौन था, सफदर वाला कबाब वाला था क्या यार, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट तख्तबाई लिखा हुआ 4 किलोमीटर स्ट्रेट। तो ये हम जा रहे हैं तख्तबाई से, ये जो हेरिटेज साइट है उधर स्ट्रेट। ये रोड जो है ये जा रहा है दरगई, मालाकंड, सवात, चित्राल, ये स्ट्रेट। और ये हम लोगों ने राइट पर टर्न लिया है तख्तबाई की जो हेरिटेज साइट है खंडरात जो है उसके लिए। ये मेन रोड से राइट को हमने टर्न लिया है। ये हमने जी यहाँ से राइट पे जाना है, थोड़ा अंदर आ गए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट तख्तबाई जी। तख्तबाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट तख्तबाई, इसकी तरफ जा रहे हैं। अब लाजमी बात है, आबादी है, गांव है, इसके बीच में से ही रोड जा रही है। सिर्फ एक बात माइंड में ये आ रही थी कि भाई जो बुद्धिस्ट थे वो, उन्होंने पहाड़ के ऊपर ये क्यों बनाया सारा कुछ, नीचे बना लेते, इतना प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया तो ये उस जमाने में भी होगा, खेत वेत ये वो एरिया तो ये भी होगा, आसान जगह बना लेते, पहाड़ पे चढ़ के क्यों बनाया। ये कोई बुद्धिस्ट मिले तो उससे पूछा जाए। हाँ, रमजान है कोई जान पहचान वाला? नहीं, सीरियसली ये सब पूछना चाहिए, लेकिन वही बात है कि वो अब हिस्ट्री वाली बात भी नहीं जाए रमजान साहब। हाँ, ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट तख्तबाई। ये आ गया जी तख्तबाई का वो हेरिटेज साइट, तख्तबाई हेरिटेज साइट। पार्किंग, वॉशरूम्स, ये वॉशरूम्स, पार्किंग और एंट्रेंस स्ट्रेट है। हाँ, एंट्री टिकट रखा हुआ, एडल्ट 20, चिल्ड्रन 10, फॉरेनर 500, फोटोग्राफी 300, और दूसरी फोटोग्राफी कौन सी है, स्टूडेंट वो 150, स्टूडेंट 150। लेकर नहीं गया हूँ ना। लो जी, 16:25 यानी क्या हो गए 4:25 शाम के, और अब हम इधर तख्तबाई साइड से चल रहे हैं। पर्ची मेरे ख्याल में उसकी थी, इसकी। हम
हम लोग आ गए हैं अभी मेन रोड पे और ये टुवर्ड्स मर्दान तख्त भाई का बाज़ार है, ये मेन रोड है और उस लिंक रोड से बाहर आके लेफ्ट साइड टर्न हुए और आगे तख्त भाई का फ्लाई ओवर आएगा। क्या हुआ, सीधे जाना है? नहीं नीचे नीचे, नीचे जाना है। अच्छा, तो वो इधर, हाँ इससे आगे वो सफदर चपली कबाब बिल्कुल बेकार थे, बेकार किसी को नहीं पसंद आए। बस हाँ वो फैमिली, ये हो गए जी शाम के 5:30, मगरिब हो गई है, अंधेरा हो गया। कराची में तो इस वक्त उजाला होता है और ये हम तख्त भाई से चले थे सफदर चपली कबाब पर आए थे जो यहाँ का मोस्ट फेमस है। सफदर चपली कबाब से हमने बेहतरीन किस्म के चपली कबाब खाए हैं, ग्रीन टी कहवा पिया है और अब हम जा रहे हैं मर्दान की तरफ। सफदर चपली कबाब का जो व्लॉग है वो उसमें आईफोन सीरीज़ में मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं और हम लोग अब मर्दान की तरफ जा रहे हैं। अब आगे के फिर आपको बताते हैं। तख्त भाई से हम गुज़र रहे हैं, ये तख्त भाई का बाज़ार है। चूँकि ये राइट साइड ये आपको ऊपर दिख रहा होगा फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर बन गया है तो सफदर चपली कबाब जो है ये इसके नीचे है तो इसके नीचे आना पड़ता है। और सफदर से अब हम सीधा जा रहे हैं मर्दान। सीधा मर्दान जा रही है, मर्दान नौशेरा और बैक साइड पे यही रोड मालाकंड और सवात कालाम चित्राल दीर, हाँ दीर, जी 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 बिल्कुल इसी रोड पे है। टॉप चित्राल जी, अब तो खैर हम मोटरवे से चले जाते हैं तो बहुत टाइम बच जाता है, वरना इधर से पहले टाइम लग जाया करता था ट्रैफिक की वजह से। ये देखो ये खाने पकाने वाले इधर होटल, पता नहीं कौन कौन से खुले हुए।